सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। पाकिस्तान और चाइना की सीमाओं पर स्थित भारत के एयर बेसिस को दुश्मन की बमबारी और मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 110 हार्डन शेल्टर्स का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है और ये शेल्टर्स उन एयर बेसिस पर बनाए जाएंगे जो चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ सीमाओं के काफी करीब है। और इन शेल्टर्स को ब्लास्ट पैन भी कहा जाता है जो कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को दुश्मन की मिसाइल्स और बॉम्ब से सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इस पूरी परियोजना की लागत 5000 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इन ब्लास्ट पैन्स को एयर बेसिस पर फेज मैनर में बनाया जाएगा। और इन शेल्टर्स की बदौलत इंडियन एयरफोर्स अपने हैवी वेट फ्रंट लाइन फाइटर्स सुखोई 30 MKI फाइटर्स को भी अपने फॉरवर्ड बेसिस पर बिना किसी नुकसान के तैनात कर सकेगी, क्योंकि वर्तमान समय में इस तरह की फैसिलिटीज की कमी होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स को दूसरी जगह पर रखना पड़ता है। इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मल चीफ एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान के 24 फाइटर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए भारत पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, तो अगर उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल फाइटर्स होते तो इन 24 पाकिस्तानी फाइटर्स में से 12 फाइटर्स डिस्ट्रॉय हो गए होते। और फॉर्मल एयर चीफ मार्शल AY टिपनिस का कहना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राफेल फाइटर्स इंडियन एयरफोर्स के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाएंगे और आतंकवाद से निपटने के लिए एक शानदार रणनीति का आह्वान करते हुए एयर मार्शल टिपनिस ने कहा कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए और सरकार में बदलाव के साथ ये रणनीति नहीं बदलनी चाहिए बल्कि इसे एक समान दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादी खुद एक कानून है और पाकिस्तान में ये एक रोजगार का तरीका बन गया है। इंडिया टुडे ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जारी किया है जिसके मुताबिक बालाकोट में जैश के ठिकाने जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक में तबाह किया था उसके पास ही मस्जिद में काम करने वाले मोहम्मद नईम ने इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को बताया कि 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे। और मोहम्मद नईम ने इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को फोन पर अपनी पहचान की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं शहरी की नौर मस्जिद से बोल रहा हूँ। और रिपोर्टर ने नईम से जानना चाहा कि भारत के एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए थे, तो उसका जवाब था कि मैंने देखा और जो पढ़ा उसके मुताबिक इसमें पाकिस्तानी सेना के 4 या 5 लोग भी मारे गए थे। और जब रिपोर्टर ने आश्चर्य से पाकिस्तानी सेना का नाम सुना तो उसने कहा कि हाँ, सेना के लोग भी मारे गए हैं। और इसको पक्का करने के लिए रिपोर्टर ने एक बार फिर से पूछा, क्या आप पक्के तौर पर कह रहे हैं कि वे मारे गए हैं? तो उसका जवाब था हाँ। और मोहम्मद नईम ने जो भी कहा उससे ये संकेत मिलता है कि जैश कैंप को पाकिस्तानी सैनिक सुरक्षा दे रहे थे। और फिर इसके बाद इंडिया टुडे की टीम ने बालाकोट के पास स्थित एक और मस्जिद के इमाम रहमान से संपर्क किया और रहमान ने इंडियन एयरफोर्स की बमबारी को कयामत का मंजर बताया और रहमान ने जैश के ठिकाने वाली इमारत को एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान होने की भी पुष्टि की है। लेकिन POK के भिंबर से सच सामने तब आया जब वहाँ के पुलिस स्टेशन को SIT के रिपोर्टर ने खुद को पाकिस्तानी सेना का एक खुफिया अधिकारी बताकर फोन किया था। और फोन उठाने वाले पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना ने पूरे सुरक्षा विभाग को पाकिस्तान के गिरे लड़ाकू विमान के बारे में कोई भी जानकारी किसी को ना देने का आदेश दिया है। और पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये फैसला उनके वरिष्ठ अधिकारियों की सेना के अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान ने पहले जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की अपनी जमीन पर मौजूदगी को स्वीकार किया था, लेकिन फिर 180 डिग्री का टर्न लेते हुए इस आतंकी संगठन के पाकिस्तान में होने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन टीम में ये मालूम पड़ गया है कि पाकिस्तान में जैश की ओर से फंड जुटाने की गतिविधियाँ अभी भी जारी है और पाकिस्तानी सेना इसे अभी भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। और इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले के सभी संस्करणों को काफी बारीकी से खंगाला और एक विज्ञापन पर फोकस किया और इस विज्ञापन में जैश मोहम्मद के लिए फंड देने की अपील की गई थी। और इस पर मोहम्मद रियाज नाम के एक आदमी से इंडिया टुडे की टीम की बात भी हुई और उस पर उसने बताया कि किस तरह से जैश मोहम्मद को पैसे डोनेट किए जा सकते हैं, जिसमें उसने ये भी कहा कि जैश का अपना कोई खाता नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना निजी खाता नंबर दे सकता हूं और अगर आप इसमें पैसे जमा करेंगे तो मैं उसे यहां किसी करीबी को सौंप दूंगा इंशा अल्लाह। और इन सब बातों से मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। और इतना सब होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वहाँ पर जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को अभी भी पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी के लिए अमेरिका ने पाक सेना पर काफी ज्यादा दबाव बनाया था और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के सैंडकॉम कमांडर जनरल जोसेफ होटेल ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की थी और कहा था कि विंग कमांडर अभिनंदन को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर अमेरिका से पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बातचीत करनी होती है तो सैंडकॉम कमांडर ही इसका मुख्य जरिया होते हैं और सैंडकॉम को ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अभियानों को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पक्ष की ओर कम्युनिकेशन का सिरा मुख्य तौर पर जनरल वोटेल और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के बीच था, जो अपने इंडियन काउंटर पार्ट NSA अजीत डोवाल से लगातार संपर्क में थे और अमेरिका के संदेश को ब्रिटेन के कदम ने भी मजबूती दी थी, जिसका पाकिस्तानी आर्मी पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ा था। और सूत्रों के मुताबिक जनरल वोटेल के संदेश ने कम्युनिकेशन के कई दूसरे जरिए भी खोल दिए, जिनमें एक ही बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान जल्द से जल्द विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़े। और जबकि पाकिस्तान के भीतर इस बात का काफी दबाव पड़ रहा था कि युद्ध जैसी स्थिति में पकड़े गए भारतीय पायलट को ना छोड़ा जाए, और दूसरी ओर अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना से कहा था कि विंग कमांडर को सौदेबाजी का जरिया बनाने की हरकत अमेरिका को मंजूर नहीं है। और जब तक कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया, तब तक अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखा था। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो अभी भी यही मानते हैं कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को एक पीस जेस्चर के तौर पर छोड़ा है, जबकि असलियत में भारत ने पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बना दिया था कि पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि 11 मार्च को राजस्थान के पोखरण रेंज में गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के 2 सफल परीक्षण आयोजित किए गए थे और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 12 मार्च को एक बार फिर से पोखरण रेंज में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के तीसरे परीक्षण को भी आयोजित किया गया है और गाइडेड पिनाका का यह तीसरा परीक्षण भी पूरी तरीके से सफल रहा है और अपने इस परीक्षण के दौरान पिनाका ने अपने सारे मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और अब समय है कल के सवाल के जवाब का। तो हमने आपसे कल पूछा था कि अभी हाल ही में सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट में किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, और इसका सही जवाब है बायोफ्यूल। कुछ महीनों के ग्राउंड और फ्लाइट ट्रायल्स को आयोजित किए जाने के बाद सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवॉर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन की तरफ से बायोफ्यूल को 22 जनवरी 2019 को मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई थी। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।